टेक्निकल विशु पठार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो YouTube स्टूडियो है उसमें क्या अपडेट आया है। यदि आप भी एक यूट्यूबर हो, आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि YouTube स्टूडियो में क्या अपडेट आया है। ठीक है, तो आज हम उस अपडेट के बारे में बताएंगे कि अब हमारा YouTube स्टूडियो जो अपडेट होने के बाद कैसा दिखता है। ठीक है, हम चलते हैं अपने यूट्यूब स्टूडियो में। जैसे हम YouTube स्टूडियो में जाते हैं तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू मोर का। व्यू मोर पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने ऐसा शो हो जाएगा जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। पहले ये ऐसे ग्राफ शो नहीं होता था। अब क्या है, हमारे इसमें जो नया अपडेट आया है उसमें देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा एक लुक आ गया है, एक ग्राफ आ गया है। क्या दिखा रहा है, अभी ग्राफ में दिखा रहा है कि आपके 28 दिन में कितने हमारे व्यूज़ आए हैं। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर व्यूज़ आए हैं 12,000 कुछ व्यूज़ हैं, यहाँ पे 12K करके लिखा हुआ है। यहाँ पर इतने हमारे व्यूज़ आए हुए हैं, ठीक है, इस मंथ में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ग्राफ शो हो जाएगा। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं कि आप कौन सी मंथ के देखना चाहते हैं। सितंबर के देखना चाहते हैं तो सितंबर के आपके सामने खोल देगा, जून के देखना चाहते हैं तो जून के खोल देगा। तो ऐसे ही आप ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारा कैसे व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बैक हो जाता हूँ। यहाँ से बैक होने के बाद हम देखते हैं नीचे भी, यहाँ पर आपको ग्राफ दिखाई देगा नीचे भी। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं 48 घंटे में जितने व्यूज़ आए हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर शो कर रहा है। तो हम करते हैं 60 मिनट में ये दिखा रहा है कि हमारे 29 व्यूज़ हमारे आए हैं 60 मिनट में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आगे दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, आगे है वॉचिंग टाइम। वॉचिंग टाइम देख सकते हैं आप, वॉचिंग टाइम के लिए भी यहाँ पर ग्राफ आ गया है जो कि पहले नहीं था। आप देख सकते हैं वॉचिंग टाइम हमारा यहाँ पे ग्राफ में शो कर रहा है। तो हम ग्राफ पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा 28 दिन का ग्राफ आपको देख सकते हैं कि हमारे जो पहले वॉचिंग टाइम था वो अप गया, और अब क्या हुआ, अब हमारा वॉचिंग टाइम जो है अब डाउन जा रहा है। तो ऐसे आप ग्राफ से यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद और देखते हैं आगे इसमें क्या बता हुआ है, सब्सक्राइबर के लिए सब्सक्राइब का भी यहाँ पे ग्राफ बना दिया है। न्यू अपडेट जो आया है बहुत ही अच्छा है आपके लिए, यदि आप भी यूट्यूब चैनल चलाते हो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्सक्राइब पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे चैनल के जो थे सब्सक्राइबर पहले अप गए, फिर डाउन गए, और फिर अप जाने के बाद फिर अब यहाँ से अप हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अप हुए, फिर डाउन हुए, और फिर अप हो गए हैं। तो अब हमारे सब्सक्राइब गेन हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से बैक हो जाते हैं। यहाँ पे सब्सक्राइब आप देख सकते हैं कि हम देखना चाहते हैं 90 दिनों के सब्सक्राइब, तो 90 दिनों के देख सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ आपको सभी दिखा देगा। तो यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं, आप देख सकते हैं सभी वीडियो में यहाँ पर एक ग्राफ शो कर रहा है जो कि पहले नहीं करता था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर अगले ऑप्शन पे रीच पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको इम्प्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे व्यूज़ के लिए, फिर यहाँ पे व्यूअर्स, ठीक है, वॉचिंग टाइम, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। रीच में हम नीचे की ओर चलते हैं, ट्रैफिक सोर्स देखते हैं कि हमारे पास जो यूट्यूब से हैं, YouTube सर्च से कितने आ रहे हैं, और फिर सजेशन में हमारे कितनी वीडियो आ रही है। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे नीचे चलते हैं, अब देख सकते हैं कि कहाँ से हमारे व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, Facebook से आ रहे हैं, हमारे क्रिएटर स्टूडियो से, गूगल सर्च से, कहाँ से हमारे व्यूज़ आ रहे हैं। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा दोस्तों इसमें जो ये जो वाला ऑप्शन होता है YouTube स्टूडियो में, ये रीच ये करके जो ऑप्शन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलिए आप। यदि आपको टॉपिक नहीं मिलता है किसी वीडियो के लिए, यदि आप भी अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो जल्दी से, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस पे रीच वाले ऑप्शन पे आना है। रीच वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पर
यहाँ पर जो टॉप यूट्यूब सर्च आइटम, ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा, यहाँ पर जो ये कीवर्ड हैं, जो वर्ड लिखे हुए हैं, इन पर आप वीडियो बनाइए दोबारा। इन पर जैसे आप दोबारा वीडियो बनाएंगे, वो आपकी वीडियो बिल्कुल पक्का 100% ग्रो करेगी और वायरल होगी, आपके अच्छे व्यूज आएंगे यदि आप यहाँ से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से जो इस कीवर्ड को उठा दो, क्योंकि यहाँ पे जो होती है, जो यूट्यूब में सर्च अधिक होता है, वो यहाँ पे दिखाता है कि आपकी ये वीडियो यहाँ पर चल रही है, ये वीडियो ज़्यादा सर्चिंग में आ रही है, ये कीवर्ड ज़्यादा सर्चिंग में आ रही हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं सजेशन में हमारे ये कीवर्ड सबसे ज़्यादा वीडियो के आ रहे हैं, कि सिम के नंबर वापस कैसे लाएँ, हाउ टू रिकवर कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी चल रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऐसे करके है। इसके बाद देखते हैं हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है ये वाला, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले जेंडर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जेंडर, कि हमारी जो वीडियो है वो किसके पास जा रही है, मेल के या फीमेल के। आप देख सकते हैं हमारे जो वीडियो है, हमारी मेरी जो वीडियो है बनाई हुई आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल विशु बटार पे, तो यहाँ पर क्या है, वो 87.5% है जो मेल है और 12.5% है जो फीमेल है। तो ज़्यादा हमारी वीडियो कौन देखता है, जो मेल है वो हमारी वीडियो ज़्यादा देखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि कितने एज के हमारी वीडियो देख रहे हैं। अब देख सकते हैं सबसे ज़्यादा 18 से 24 के जो अंडर एज आती है उसमें जो बंदे हैं वो हमारी वीडियो देख रहे हैं, कि यंग जो हैं वो हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, तो अपनी वीडियो में आप ऐसे ही, मतलब अपनी आवाज़ को, अपने जो भी आप अपना वीडियो बनाते हो उसके अकॉर्डिंग ही आप, जब यहाँ से देख लो कि हमारे 18 से 24 तक के बंदे इसको देखते हैं, तो आप उसी हिसाब से बोलना स्टार्ट कर दीजिए, कि ज़्यादा यंग दोस्त तो देख रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे आप, दोस्त मित्र, ठीक है। तो ऐसे करके आप वीडियो बनाइए, उसमें वही सवर कीजिए कि दोस्तों अपने चैनल पर आपका स्वागत है, ऐसे करके, मतलब जैसी आपकी ऑडियंस है उसके हिसाब से आप वीडियो बनाइए, कि उन्हें ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है, ठीक है, तो आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी चलेगी। अब देखते हैं हमारी कहाँ पर वीडियो देखी जाती है ज़्यादा, सभी वीडियो 98% आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया में ही देखी जाती है, ठीक है, यहीं पर ये देखी जाती है। तो ये सभी स्टूडियो का हमारा जो यूट्यूब स्टूडियो है ये सभी है, इसमें अपडेट बस दोस्तों यही है, बहुत ही अच्छा अपडेट मुझे तो लगा। आप बताना कमेंट में कि आपको कैसा अपडेट लगा, और मैंने इसमें वीडियो में सभी कुछ आपको बताने की कोशिश की है यूट्यूब स्टूडियो के बारे में। यदि आप नए भी हैं, आपको यूट्यूब स्टूडियो नहीं चलाना आता होगा, तब भी आप यहाँ पर सीख लेंगे कि आपको क्या क्या करना है। यहाँ से व्यूज़ देखेंगे, वॉचिंग टाइम देखेंगे, और यहाँ पे अपनी वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी वीडियो आ रही हैं, तो जैसे आप यहाँ पे रियल टाइम करके ये है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपकी जितनी वीडियो होती है ना, जो उस पर व्यू आए हैं अभी 48 घंटे में, सभी दिखा दें किस पे कितने व्यूज़ आए हैं। नीचे आपको वीडियो दिख जाएंगी कि सभी हमारी दिखा शो कर रहा है कि किस पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, आपको पता लग जाएगी कौन सी वीडियो हमारी ज़्यादा सर्चिंग में आ रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी चल रही है, अभी कुछ दिनों में ही हमारे 12K मतलब कि 12,000 व्यूज़ आ चुके हैं इस वीडियो पर, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। अपडेट आपको कैसा लगा यूट्यूब चैनल का ये ज़रूर बताइए, और यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है यूट्यूब स्टूडियो आपसे नहीं, आपको मतलब देखना नहीं आता है, चलाना नहीं आता है, अब भी यदि आपको प्रॉब्लम रह जाती है इस वीडियो के बाद भी, तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए, और थैंक यू दोस्तों।